दोस्तों मेरे बस चैनल पे आप वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो फिंच के ऊपर के अगर हमको कहीं से भी मतलब मार्केट से या कहीं से भी आपको फिंच लेनी है तो आप कैसे लेके बिल्कुल ये ठीक है या बीमार नहीं है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि फिंच आपको कैसे लेनी है, आज मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। नाजिम वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब के बराबर मुझे बेल आइकन है उसको भी दबा दें। अगर बेल आइकन आप दबाएंगे तो इससे ये होगा कि जब भी मैं अपने चैनल पे नई वीडियो डालूंगा तो आपके मोबाइल पे पहले आ जाएगी। चलो चलते हैं नाजिम टॉपिक की तरफ। नाजिम फिंचेस में आसान तरीका है, अगर आपको किसी से भी मार्केट से या कहीं से भी किसी भी शॉप से अगर फिंच आपको लेनी है तो आपको ये देखना है कि बिल्कुल सुस्त नहीं हो, मतलब एक जगह बैठी नहीं हो, एक्टिव हो, इधर उधर ही उगती हो, मतलब एक जगह कोने पे कहीं बैठी भी नहीं होनी चाहिए। आपको पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा तरीका ये है कि फिंच को चर्बी भी हो जाती है, आपको इसकी वेंट भी चेक करनी है कि चर्बी वाली फिंच आपको नहीं लेनी, फिंचेस को चर्बी का भी मसला हो जाता है, आपको चर्बी वाली फिंच नहीं लेनी। तीसरा मसला ये कि फिंच को बाल टूटने की बीमारी हो जाती है, मतलब इनके बाल कम होते हैं। तो नाजरें अगर किसी फिंच के बाल कम हो तो आपको वो भी नहीं लेनी, वो भी मसले वाली फिंच होती है, इसके बाल जिस कम होते हैं इनमें ये बीमारी होती है, बीमारी होती है कि इनके बाल कम होते हैं। नाजरें मैंने ये तीन चीज़ आपको बता दी, अगर ये तीन चीज़ों को आप देख के अगर फिंच लेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक फिंच मिलेगी। नाजिन अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, से होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा तो आपके मोबाइल पे पहले आ जाएगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।